रेडियो सिटी 91.1 पर मारू नाम छे करण और ये जब दोनों भाइयों की जोड़ी आ जाती है गाना सुपर डुपर ट्रिपल वो एकदम सुपर हिट थे जब व्यूज एकदम मतलब तोड़ी ने फोड़ी नाखे अरमान एंड अमाल इन द हाउस एंड ऑफ कोर्स कुणाल जिन्होंने गाना लिखा है वेलकम टू द स्टूडियोज गाइस हाउ आर यू थैंक यू मजा आ रहा है यार आप लोग सबसे पहले अरमान से तो मैं पूछ लिया अमल आई वांट टू आस्क यू एज वेल और अरमान ऑफ कोर्स आई वांट टू न्यू रिकॉर्ड तो नहीं किया था डू यू गाइस कीप अ ट्रैक ऑफ द व्यू कि कितने व्यूज हो रहे हैं बिकॉज पांच कितना अभी मैं यूट्यूब पे देख रहा था व्यूज तो बहुत कमाल है लेकिन 10 घंटे में इतने सारे कवर्स भी बन गए इस गाने के सो डू यू कीप अ ट्रैक ऑफ ऑल दिस आई कीप अ ट्रैक ऑफ कवर्स आई कीप अ ट्रैक की यानी क्या कमेंट्स है क्योंकि वो ज्यादा जरूरी है व्यूज तो यानी देखने वाले तो बहुत है अच्छा देख के जो पसंद करने वाले वो ज्यादा जरूरी है एंड व्यूज तो ठीक है यार व्यूज तो खरीदे भी जाते हैं उसमें क्या व्यूज के पीछे भागने का कोई इतना मतलब नहीं है आई थिंक इफ यू विन अ लॉट ऑफ हार्ट्स दैट इज मोर इंपॉर्टेंट आई हैव गॉट माय प्रोमो लाइन व्यूज तो खरीदे भी जा सकते हैं अमल मलिक ने मारा छक्का ठीक है उसके बाद फिर अरमान बेस्ट रोमांटिक वॉइस सो मच पैशन यानी ये सब चीजें देखते हैं कमबैक ट्रैक ऑफ मलिक ब्रदर्स हाँ यानी हम लोग बहुत टाइम से लास्ट हम लोग ने ऑलमोस्ट 4 months पहले किया था क्यू रब्बा फ्रॉम बदला अच्छा फिर कुणाल के लिए बहुत तारीफ है लिरिक्स बहुत ही अच्छे लिखे गए किल किया इन्होंने यानी मैं देख रहा हूँ मैक्सिमम कमेंट्स सब जो भी कमेंट्स आ रहे हैं जो भी ट्वीट्स आ रहे हैं सब दे आर कोटिंग द लिरिक्स फ्रॉम द सॉन्ग सो मतलब उसमें जीत हो गई लिरिक्स बहुत अप्रिशिएट हो रहे हैं कभी कभी फनी कमेंट्स भी आ जाते हैं कि जैसे कि यानी उसमें मजा आता है अमल भाइयू यू द बेस्ट तो फिर हम तो ठीक है अभी क्या बोलूं भाइयू से रिएक्शन मेरा उसका सबने पूछा कि भाइयू बहुत बहुत अनॉयिंग यू यू तो सही हूं सही लेकिन यार कितने गाने हो गए आप दोनों के अरमान ये व्हाट इज दिस नंबर ये अभी हमने अभी चल कर लेते हैं लेट्स काउंट फ्रॉम द फर्स्ट लेट्स स्टार्ट फ्रॉम तुमको तो आना ही था जय हो फिर उसके बाद मैं हूं हीरो तेरा फिर उसके बाद नहीं नहीं मैं हूँ तेरा के बाद नैना 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 उसके पहले ही आया था नैना नैना फ्रॉम खूबसूरत फिर हुआ है आज पहली बार यस मैं रहूँ या ना रहूँ बोल दो ना जरा सब तेरा सौ आसमान बुद्धू सा मन हम कुछ तो है इशारा हम नहीं सुधरेंगे नहीं काउंटिंग क्रोनोलॉजिकल वाइज ऑर्डर से जा रहा है पूरा साल याद है फिर हमने सुधरेंगे के बाद क्या तेरे मेरे के बाद शेफ ले जा मुझे हाँ वही तेरे ले जा मुझे वही है फिर क्यों रब्बा और फिर अभी चले घर से निकलते ही और होंगे एक्चुअली अभी अब हमने कितने काउंट किए 16-17 ट्रैक सॉन्ग्स वाओ 16-17 सॉन्ग्स एंड एवरी सॉन्ग इज ब्लॉकबस्टर ये रेसिपी क्या है हमें बताओ दोनों मिलके यार ये रेसिपी हमारे ब्लड में है मलिक ब्लड है अभी आप ये सबको नहीं मिलती अच्छा आई थिंक सबसे ज्यादा मेरे ग्रैंडफादर की ब्लेसिंग्स है श्री सरदार मलिक आई थिंक उनसे मैंने काफी संगीत सीखा अच्छा एंड वो जब अपने लास्ट फ्यू इयर्स में थे जी एंड मैं 10th स्टैंडर्ड तक जब मैं उनके साथ रहता था जी उस टाइम पे आई थिंक 5 की एज से लेके 15 तक वो 10 साल मुझे उस अमेजिंग म्यूजिशियन के साथ मिले एंड ऑब्वियसली मेरे डैड अंकल इन लोग सबने बहुत सारे फिल्म सिटिंग्स घर में ही किए तो दिखता था कि कैसे म्यूजिक बनता है कैसे लाइव होता है तो आई थिंक उन सबसे मैंने काफी कुछ सीखा एंड आई थिंक इट्स मोर यानी एक कौन है डीजे खालिद जो इंटरनेशनल प्रोड्यूसर है बोलता है वी द बेस्ट म्यूजिक आई थिंक मैं और अरमान बोलते हैं वी द ब्लेस्ड म्यूजिक दैट्स सो ट्रू दैट्स सो ट्रू सर यू आर आल्सो ब्लेस्ड विद वंडरफुल राइटिंग आई एम बिग फैन ऑफ योर हंसी का सॉन्ग एंड ये मतलब आपको क्या इन्फॉर्मेशन क्या मिलती है और आप कैसे ढाल देते हैं क्या आप चोट खाए हुए आशिक है कि इतना अच्छा लिख लेते हैं वो जो मिलके बिछड़ जाता है जिंदगी में उसी का नाम है शायद क्या अच्छा वाह तो ये गाने का क्या प्रोसेस क्या था क्या सोच थी क्या बोला इस गाने के पीछे हाँ इस गाने के पीछे सबसे पहले तो अमाल को एक गाना चाहिए था सैड सॉन्ग चाहिए था अभी गाना बनना ही था तो उन दिनों मेरा थोड़ा सा मूड ठीक नहीं चल रहा था अच्छा तुम तो काफी डिप्रेस था उस टाइम पे तो अमाल का कॉल आया था मेरे पास में गाना चाहिए तो मैं एक अलग ही जोन में था मैंने बोला भाई मैं करके देता हूँ तो एक दिन बाद दो दिन बाद फिर हम लोग फोन पे कुछ कर रहे थे जैम कर रहे थे हम लोग उस टाइम बात करना शुरू किया था देन फिर अमाल ने एक मतलब एक मीटर क्रैक किया एक धुन क्रैक करी तो फिर मैं बोलता कि मैं कुछ करता हूँ उसके देन फिर अमाल को सडनली मैंने बोला कि भाई कुछ बेवकूफ़ी करी है मैंने मुझे अच्छी लग रही है
क्योंकि वो थोड़ा पुराना फील था वर्ड्स का, बट मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था कि ये, क्योंकि उसमें वो दीवाना एक वर्ड था जिसपे आपने बोला था कि ये छक्का है इसलिए वो कमेंट आया वो वर्ड बहुत टाइम से यूज नहीं किया ना किसने, वो थोड़ा सा आउटडेटेड लगता है, तो वो मुझे डाउट था थोड़ा, पर मैंने वो सुना है ना कि भाई जुदा हम हो गए माना पागल हो गया था, मैंने ऐसे फोन फेंका है पूरे हॉल में और मैं तीन बार घर में भागा कि मिल गया मिल गया, तो एक एक्साइटमेंट थी एंड हम लोग का एक्चुअली घर से निकल थी पहले रिलीज हुआ, बट ये गाना नवंबर 2017 में मैंने और कुणाल ने साथ में किया था चले आना एंड तू मिला तो है ना, जो दूसरा गाना भी है मेरा दे दे प्यार दे से जो अरिजीत ने गाया, ये दोनों गाने 2017 नवंबर से हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। तो कितना बैंक बना के रखा, हाउ मेनी जीबीज एंड टीबीज ऑफ हार्ड ड्राइव यू हैव, आई थिंक बैंक वैंक तो नहीं पता, पर इस गाने के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना न्यूएंडो लॉजिक इतने सारे एटलीस्ट 30-40 प्रोजेक्ट्स चले आना के और 30-40 प्रोजेक्ट्स तू मिला तो है ना। अच्छा यार जब अमल ऐसे रात को भागता है चिल्लाता यू नो कि अच्छा मिल गया यू हैव टू स्टार्ट सिंगिंग रात को, क्या हो जाता है ना हम लोग तो पूरे फैमिली में जो मैं हूँ मॉम और डैड है हम तीनों बहुत जल्दी सो जाते हैं। अच्छा। और अमल का जब सोने का टाइम होता है वो हमारा उठने का टाइम होता है। ओ और he's owl, और उल्लू है। और क्या हो जाता है ना, अमल अपना गाना बना लेता है रात को सुबह सुबह, इसलिए गाना भी सुबह सुबह बनाया तुमने क्योंकि रात भर सोए नहीं, सुबह सुबह आ जाता है घर पे पापा को उठा रहे हैं। हम लोग अभी दो बिल्डिंग अलग रहते हैं। अच्छा। क्योंकि मैंने एक स्टूडियो बनाया ताकि यू नो प्रॉपरली स्पेंड टाइम देयर ओनली। हां तो उधर से इधर हम लोग हर दिन सुबह चाय पार्टी होती है 9 बजे, कभी मेरे घर कभी मॉम डैड के घर। तो ये भाग के आता है सबको उठा देता है सुबह सुबह, हम लोग को नींद खत्म नहीं होती फिर भी उठा लेता है। अच्छा। सीधा स्पीकर ऑन करके ये लो एक नया गाना मैंने बनाया एक और, फिर तीन चार ऐसे हम लोग नींद में पूरा सुबह Just to get him away. इसलिए मैं इन लोगों के कमेंट सुनता हूँ, फिर मेरे को लगता है इन लोग तो मेरे को फंसा रहे, शायद इतना अच्छा नहीं है जितना बोल रहे हैं। लेकिन अमल की एक चीज है वो बहुत पैशनेट है, कुछ जो भी वो बनाता है ना तो उसको उसी टाइम पे एक वैलिडेशन चाहिए रहता है कि ये गाना सही बना है कि नहीं बना है, और डैड काफी हमें हेल्प करते हैं कि कुछ भी गाना बना है तो डैड से हम लोग एक यू नो रिक्वेस्ट करते कि आप सुनो एंड टेल अस हाउ यू लाइक इट। तो डैड जब सुनते और उनका वो जब कहते कि सुपर हिट है तो मतलब तो हम लोग थोड़े कॉन्फिडेंट रहते हैं, हम प्रोड्यूसर को चलते चलो अभी नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं अभी कोई फिल्म में। तो व्हाट इज द हार्श क्रिटिसिज्म पापा ने दिया आप लोग को? मुझे नहीं, वो सीधा मतलब मुंह पे फ्लॉप है। हां वो मतलब ही डजंट ट्विस्ट, ही डजंट नो इन बिटवीन यस या तो नो है। अच्छा। तो मैंने उनको कोई गाना सुनाया था, कौन सा था वो, मेरा एक सिंगल था बहुत बुरा सिंगल किया था मैंने, वेडिंग द सीजन करके, मिक्का पाजी एंड नेहा ने गाया था बहुत पहले, और मुझे भी डाउट था मतलब ये तो कुछ अजीब ही बन गया शादी टाइम गाना है, और यानी अजीब था यानी ठीक है यानी समटाइम्स यू आर हैप्पी विद व्हाट यू डू समटाइम्स यू आर नॉट, पर मैं सुनाने से इतना डर रहा था। तो एक दिन रात को लिया मेरे को तो सुनना है ये क्या रिलीज कर रहे, तुम सुना तब बेड़ा गर्क हो गया तुम्हारे करियर का, इतना घटिया गाना मैंने 2 साल में नहीं सुना तुमसे, लानत है मैंने बोला अभी तो फंस गए। फिर मैंने बहुत मेहनत की यानी डैड को इम्प्रेस करना मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, और फिर बना मैं रहो या ना रहो फिर थोड़े बच गए, फिर बोले ये दिस इज द रियल यू एंड प्लीज डू दिस काइंड डोंट डू वैसे टाइप के गाने। दैट स्टोरी आई वांट टू हियर एज वेल। लेकिन अरमान डू यू बी अ पार्ट ऑफ हिज प्रोसेस कि तू बोलता जाके कि नहीं मेरे को ये गाना गाना है, आई वांट टू सिंग द स्क्रैच, और ही कम्स टू यू एंड इज लाइक नहीं तो ये तो फिक्स्ड है कि जो भी गाने बना रहे वो स्क्रैचेस तो मैं ही गाता हूं। मतलब फुल इस्तेमाल होता है ना घर के माल का, गलत तो इस्तेमाल। लेकिन मैं कभी बहुत ही रेयरली मैंने अमल को कहा है कि नो ये गाना ना सिर्फ मेरे को ही गाना चाहिए, किसी और को देगा ना, एक ही गाने पे बोला, एक ही कौन सा गाना, चल वहाँ जाते हैं, चल वहाँ जाते करके गाना था, तो एक सिंगल आया था जो अरिजीत ने अल्टीमेटली गाया। वो अलग बात है कि मुझे अरिजीत के आवाज से भी प्यार हो गई उस गाने से, लेकिन मैंने अमल को कहा था अरे बहुत बहुत अमेजिंग गाना है, मुझे गाना है। तो why didn't you give him this song? अमल फेल की गाना is not my vibe. मुझे नहीं लगा उस टाइम पे, मैं कभी अरमान और मेरे साथ एटलीस्ट ये एक सिंपल चीज है, मैं जब बुरा गाना बना तो मेरे को मुंह पे कह देता ये बहुत घटिया गाना बना तुमने, और जब मुझे लगता है कि अरमान
मैं उसको बोलता है नहीं दिस आई डोंट फील ब्रो कि यू शुड सिंग दिस सॉन्ग क्योंकि नहीं यानी मैं इंस्टेंट हूँ वैसे तो अच्छा. मेरे को मैं जब बना लेता हूँ गाना मेरे को फिर दिमाग में एक बेल बजती है कि या तो अरमान है या के है या मिक्का है या अरिजीत है तो मैं गाने के बाद चुनता हूँ कि हु शुड बी द सिंगर तो मैं इमेजिन कर लेता हूँ कि शायद ये कर पाएगा उसने बहुत अच्छा गाया भी था उसको बट मुझे उस टाइम पे लगा कि थोड़ी और एक अलग टेक्सचर चाहिए थी जो आई थिंक अरिजीत ने उसमें की तो एक बार बोलने पे ही गेट्स कन्विंस्ड नहीं वाज लाइक एक बार इसने दो महीने मम्मी को बोला होगा कि देखो कितना गधा भाई है मेरे मैंने रिक्वेस्ट किया फिर भी नहीं दिया गाना नहीं वो एक ही बार हुआ था उसके बाद देन आई सैंग व्हाटएवर एंड उसके मतलब जो भी अमल चाहता है एक गाने के साथ वो हो जाता है मतलब मैंने उसको काफी बार मैंने स्क्रैचेस गाए हैं तुम्हें अपना बनाने का एक गाना था तो मैंने स्क्रैच गाया उसमें तो लड़ाई हो गई कि मैंने स्क्रैच जो गाया वो स्क्रैच को फाइनल कर दिया अच्छा और फाइनल रिलीज हो गया क्या होता है ना स्क्रैच के बाद मैं कहता हूँ कि भाई फाइनल रिकॉर्डिंग एक कर लेते प्रॉपरली इसने सीधा भाई साहब ने अपने मिक्सिंग इंजीनियर को वॉइस भेज दी ये फाइनल है ये रिलीज कर दो मैं कहीं शो कर रहा हूँ मॉरिशस में अभी वो गलती तेरी मैं कैसे रुकूं इधर लेबल का फोन आ रहा है तुमने फिर डिले कर दिया गाने तो अभी क्या करो आप जिस टोन में बोलते ना कि तुमने हाँ, ये जो मैं इमिटेट कर रहा हूँ ये भूषण जी है जिनकी आवाज मैं अभी सुनाने वाला हूँ आपको ये भूषण कुमार हो जाए हेड ऑफ टीसी हो जाए हेलो अमाल फिर भूल गए कल गाना का रिलीज है जी सर मैं कर रहा हूँ सर थोड़ा ढोलक में मजा नहीं आ रहा मैं दो तीन और रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी मुझे नहीं फर्क पड़ता तुम दो ढोलक करो या सात कल सुबह अगर तुमने नहीं दिया तो जो शूट मिक्स है वही मैं डाल दूंगा यूट्यूब पे फिर तुम देख लो बोला नहीं सर प्लीज सर रुक जा सर अभी वो क्या होता है ही इज वेरी पैशनेट कि मेरा गाना मेरे को आज चाहिए आई वांट एवरीथिंग रेडी ताकि सब म्यूजिक पोर्टल्स रेडियो स्टेशन सब पे चले जाए और वो एक टाइम लगता है कि एक वीकेंड पे आता है तो बाय मंडे ट्यूजडे हम लोग आप लोग सब यू स्टार्ट प्लेइंग वो डिलीवरी ऐसी नहीं होती क्योंकि क्या है सब लोग इन्वॉल्व है ना डायरेक्टर की भी एक विश होती है कि मैं थोड़ा सा मेरा एक ये म्यूजिक पीस चेंज कर दो क्योंकि वीडियो में ऐसा है तो बैक एंड फोर्थ इतनी होती है और लास्ट मिनट काम था आप जानते हो बॉलीवुड पूरा बॉलीवुड वैसे ही काम करता है और मैं थोड़ा प्रीतम दास से ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ वो खुद ही गाना हिट हो जाने के बाद रिलीज करता है तो मैं उनसे इंस्पायर्ड हूँ तो थोड़ा लेट हो जाता है बट इज देयर अ टाइमलाइन प्रेशर कि ये टाइम पे डिलीवर करना है आई थिंक मोर देन रिलीजिंग देयर इज द प्रेशर ऑफ शूटिंग क्योंकि एक्टर्स की डेट्स बहुत लिमिटेड होते हैं तो उन सात दिनों में अगर आप शूट मिक्स करके दे सकते हो तो देन इट वर्क्स आउट वेरी वेल वो नहीं हो पाता तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि फिर डेट्स मैच करते 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 फिर 6 महीने चले जाते हैं All right. On that note, can we have this Chale Aana, the new song of De De Pyar De, जो कल ही रिलीज हुआ है एंड कितने व्यूज हो गए आई थिंक करोड़ों व्यूज हो गए लॉट्स ऑफ कवर्स ऑन दिस सॉन्ग अरमान कैन वी हैव दिस सॉन्ग फ्रॉम यू बिकॉज आई वॉज जस्ट वॉचिंग दिस गाना यूट्यूब पे बहुत सारे कॉमेंट्स ये बोल रहे हैं अरमान मलिक किंग ऑफ रोमांटिक सॉन्ग अरमान मलिक किंग ऑफ ये सैड सॉन्ग और किसी ने उसमें रिप्लाई कर लिया योर फैन ऑफ कोर्स व्हेन इज अरमान गोइंग टू सिंग वन पार्टी नंबर Very soon. Yeah, very soon. Plan कर रहे हैं. We're on it. हाँ कब गाएंगे आप? Very soon. I'm planning. Actually, Amal and me are planning something. आ रहे हैं वो भी. Bomb drop होने वाला है. यार मैं मेरा एक बड़ा भाई. See मेरा क्या था ना? मैं अपना जो एक kingdom है ना वो setup करना था romance का. अभी वो kingdom setup हो गए. अभी next kingdom को conquer करते हैं हम लोग. जैसे कि बता रहा हूँ मेरे दो भाई है एक बड़ा एक छोटा तो मैं मतलब बड़े वाला भाई से बहुत सी चीजें मिलती है और मेरे से छोटे वाले को जाती है आपको क्या क्या मिला इनका विच यू लाइक टोटली हेटेड कि नहीं मेरे को नहीं चाहिए इसका ये नहीं मैं एक्चुअली अमल से कुछ नहीं लेता अमल मेरे से बहुत चीजें लेते हैं और क्या है ना मेरी एक बुरी आदत है या हैबिट है मैं शेयर नहीं करता कुछ भी अच्छा तो जब सो जाता है तब ये सब अच्छे जैकेट में रात को कबर्ड से ले लेता है नेक्स्ट डे आउट तो मेरा एक प्लान रहा है मैं जब भी कुछ मतलब इसमें खर्चा है ये प्लान में लेकिन करना पड़ता है कभी भी मैं कहीं पे भी जाता हूँ कुछ अच्छा लगता है उसके दो दो ले लेता हूँ अमल मेरी चीज ना ले अमल मेरी वाले से मेरे को प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो सेम टी शर्ट पहने वो सेम टी शर्ट मेरी वाली सेम टी शर्ट नहीं पहने वो मुझे प्रॉब्लम है यार लेकिन ये भाइयों में होता है कि दूसरे का ज्यादा पसंद आने लगता है मेरे को दूसरे का पसंद नहीं मुझे मेरा पसंद है तुम अपना देख लो जो भी सेम मेरे डैड मेरे साथ ये करते तब मैं भड़क जाता हूँ मैं एक दिन गया घर में देख रहा हूँ मेरी टी शर्ट पहनी है फिर मैं अगले दिन चेक किया पूरा 36-40 इंच की छाती
70 के हो गए। मैंने कहा अरे यार ये तो मेरी टी शर्ट थी अब हुडी हो गई है। यार लेकिन आपकी डैड जब आए थे उन्होंने बोला था कि बहुत सारे गाने आप दोनों के, लेकिन मैं रहूं या ना रहूं वाज फेवरेट सॉन्ग आप दोनों का। व्हाट वाज द थॉट, कुछ एक स्टोरी है ये गाने की? क्या ये एक्चुअली एक ट्रिब्यूट है टू माय ग्रैंडफादर श्री सरदार मलिक। मैं 14 इयर्स का था जब यू नो ही वाज इन हिज फाइनल स्टेजेस ऑफ लाइफ, तो उस टाइम पे उन्होंने मुझे बोला था कि यू नो मुझे एक एल्बम करना है यार, एंड वो एक ख्वाहिश उनकी रह गई। तब मैं ये सब जानता नहीं था, यानी मुझे पता नहीं था कि मैं म्यूजिक कंपोजर या कुछ भी हूँ। मैं तब पढ़ रहा ही था 9th-10th स्टैंडर्ड में, तो मैं हाँ बोलता था, मतलब हाँ सीख रहा हूँ मैं बना तो कुछ। और फिर तभी कोई लैपटॉप कोई सॉफ्टवेयर कुछ पता ही नहीं था कि कैसे करते हैं म्यूजिक, यानी सिर्फ धुन आती थी थोड़ी बहुत। एंड ही पास्ड अवे, मेरे साथ ये रह गया कि अरे एक आखिरी विश जो थी एक आदमी की वो मैं पूरा नहीं कर पाया, तो मैंने एक ये गाना कंपोज किया। एंड अनबिलीवेबल है कि जब कंपोज हुआ मैं बहुत खुश था, भूषण जी बहुत खुश थे, पर हम लोग ने जब डायरेक्टर्स को या काफी फिल्म प्रोड्यूसर्स को सुना तो सब लोगों को लगा कि ठीक ठाक गाना है, आउटडेटेड है, ये स्टाइल का है, बहुत पुराने थॉट्स है, लिखा बहुत ब्यूटिफुली रश्मि विराग ने। तो आई थिंक एक बिलीफ मुझे थी इस गाने पे कि यानी ठीक है कोई फिल्म में जाए ना जाए मैं कुछ भी करके इस गाने को इस दुनिया में लाना चाहता हूँ। तो मैंने भूषण जी को बोला, आई सेड यू नो रोमांटिक गानों में जिन्होंने सबसे ज्यादा प्यार बटोरा दैट इज इमरान हाशमी, आई सेड आप एक बार भेज के तो देखो, लेट्स सी व्हाट ही सेज। उनको भेजा और उनका फोन आ गया उसी शाम कि मैं ये गाना कर रहा हूँ, आई लव इट। एंड ही कनेक्टेड इंस्टेंटली। एंड एक मैंने एड देखी थी गूगल की, जो दो दोस्तों की बनी थी, गूगल एड यू नो टू ओल्ड पीपल इंडिया पाकिस्तान वाला कोई एड था, अमित शर्मा जिन्होंने अभी बधाईयो बनाई, एंड ही हैड डायरेक्टेड दैट एड। उसमें इमोशन इतना स्ट्रॉन्ग था ना वीडियो में, तो मैंने कोई ना कोई एड, मैंने पहले उनकी जो कंपनी क्रोम पिक्चर्स उनके साथ जिंगल्स बहुत किए थे, तो मैंने उनको ढूंढा, मैंने बोला सर एक गाना है, यानी ये मैं खुद ही इसको प्रोजेक्ट को यानी कहीं पहुंचाना चाहता हूं, यस क्योंकि ये मेरा बेबी है और मैं बहुत यानी मेरे और अरमान और डैड की तरफ से एक ट्रिब्यूट है टू द फर्स्ट मलिक हु वाज द ट्रू म्यूजिशियन। एंड तो मैंने बोला आप सुन लो, बाकी आप आपके ऊपर है, आप डायरेक्टर हो, इफ यू फील लाइक इट विल बी ग्रेट, क्योंकि मेरे को लगता है कि कोई और नहीं आपसे ज्यादा समझ सकता कि इमोशन क्या चाहिए। ट्रू। देन आई टोल्ड हिम दिस स्टोरी कि यू नो मेरे ग्रैंडफादर के लिए, एंड ही हर्ड द सॉन्ग एंड कुछ तो था, ही कॉल्ड मी एंड सेड इज लाइक मुझे लगता है कि इसमें मैजिक है और मैं इससे जुड़ूंगा तो आई विल बी मोर हैप्पी। तो आई थिंक वो बहुत सही लोगों ने इस गाने से अपने मन को लगाया, एंड यू नो दैट्स व्हाई दैट सॉन्ग आज आप कहीं भी देख लो, मुझे लगता है कि हर कॉन्सर्ट अरमान का इनकम्प्लीट है इस गाने के बिना, हर कॉन्सर्ट मेरा इनकम्प्लीट है। तो कुछ गाने होते हैं जिस उनको ब्लेसिंग ऐसी मिलती है कि अनस्टॉपेबल हो जाते हैं, और जो यानी एक बार सूरज डूबा के साथ भी हुआ था कि यानी 40-50 लोगों ने रिजेक्ट कर दिया और वो गाना बहुत आगे निकला, और बहरों के साथ भी यही हुआ, तो मैं खुश होता जब लोग रिजेक्ट करते हैं गाना, जितना रिजेक्शन उतना रिजेक्ट, वो और खुश होता कि अभी और बड़ा बने। दिस मलिक ब्रदर्स और लवली सर क्या कहेंगे आप दोनों के बारे में? क्या कहेंगे आप अपने यार के बारे में जिन्होंने ये गाना लिखा है? कौन से यार के बारे में? यार आपका जो गाना हसी स्टिल लाइक नंबर वन सॉन्ग ऑन माय शो, 3-4 के बीच अभी भी लोग रिक्वेस्ट करते हैं, ऐसा क्या लगता है कि हाँ 3-4 घंटे में ज्यादा आते हैं वो रिक्वेस्ट, क्या लगता है आपको ये गाना अभी भी मतलब लोगों के ज़हन में है? पहले तो मैं बोलना चाहता हूँ कि अमी मिश्रा पहले उसके लिए यूज राउंड ऑफ अप्लॉज़ कि उसने ये गाना बनाया, मोहित सूरी सर की यानी इतने यंग टैलेंट्स को हर बार सपोर्ट करके, कुणाल अमी ब्रेक देना, यू नो बहुत गट्सी लोग चाहिए होते जो एक नया इंसान और उसके वर्ड्स में उसके लिरिक्स में ट्यून में बिलीव करके उस गाने को पहुंचा सकते फिल्म में। एंड मैंने इन दोनों से कहा था तभी, यानी दे आर माय वेरी गुड फ्रेंड्स, अमी इज लाइक अ ब्रदर टू मी। तो मैंने जब ये गाना रिलीज होता आई कॉल्ड कुणाल जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फ्रेज, जब लिखा था पहचानते नहीं अब लोग तन्हा मुझे, मेरी निगाहों में है ढूंढते वो तुझे, मैंने बोला ये जिसने लिख दिया ना इसको तो ढूंढ के लाना पड़ेगा। सर ये कातिलाना वर्ड्स कहाँ से लिखते हैं आप? आपकी कुछ तो कहानी होगी। कहानियां तो बहुत है, एक कहानी से पार नहीं पड़ती क्योंकि इमोशंस बहुत सारे हैं, तो ना कि एक से पार नहीं पड़ती। तो हमने बनाया चार खुदा, एक माँ खुदा, एक बाप खुदा, एक प्यार खुदा, एक यार खुदा। क्या बात है सर, आप शायरी में बात करते हैं क्या? तो ये गाना
मतलब मैंने बहुत पहले लिखा था और खुद पे देता हूँ उसके लिए किया था जमाने पर और खुद सर मतलब और खुद को भी याद नहीं होगा कि और खुद था तो बहुत टाइम के बाद 2014 में जब अम्मी का फोन आया कि भट्ट साहब मिलना चाहते हैं मेरे माइंड में कुछ भी नहीं था कि गाना लगेगा या नहीं लगेगा मेरे लिए काफी था कि मेरे को फोन आया तो मैं जाऊंगा तो मैं ऐसे ही आया था मतलब तो उन्होंने बोला कि बेटा तुम्हारा गाना ये तो फाइनल है मोहित सर से एक बार मिल लो तो बाकी आगे की बात कर लो तो मैं मोहित सर के साथ बैठा था तो उन्होंने बोला कि मेल वर्जन तो फाइनल है फीमेल वर्जन हम एक राइटर उनके लिए बोला कि उनसे लिखवाएंगे हम मैंने कहा सर क्यों बोले कि बेटा वो 20 साल पहले चले जाते स्टोरी तो 20 साल का वो बात चाहिए ना राइटिंग में तो मैंने कहा सर मैं कर दूंगा मैं तो वही लिखता हूँ ये तो बहुत सिंपल सा लिखा हुआ है तो बचपन का लिखा हुआ है बोले बेटा टाइम नहीं है मैंने कहा सर एक दिन का टाइम था बोले हाँ है तो मैंने अम्मी को बोला मैं खड़ा हो चाहता तो हमने वहां से निकल गए अम्मी बोला कि भाई इतने जल्दी ले भी आए मैंने कहा दूसरा गाना देना है तो रात को मैं और अम्मी बैठे हम सारी रात बैठ के मैं बहुत पैराग्राफ्स लिख के और सर को फोन किया कि सर रात में करके और कल मिलते हैं तो सर ने बोला कि अच्छे होंगे तो मिलते हैं बाकी तुम एक बार भेज देना करके अच्छा तो हमने 4:30 तक जितने हमसे हो सकते थे सब करके भेज दिए सुबह सर का मैसेज आ गया कि ऑल पैराग्राफ्स आर रॉकिंग कम टू माय ऑफिस तो क्योंकि मुझे एक बात पता नहीं मेरे ब्रदर ने बोली थी कि इंसान को ना पहला मौका किस्मत देती है दूसरा मौका उसको काबिलियत देती है तो पहला मौका मुझे मिल चुका था मेरे को वो दूसरा गाना चाहिए था क्योंकि मुझे वहां प्रूव करना था कि मेरा श्रेया का वर्जन ओरिजिनल से ज्यादा चला तो फिर हम गए फिर उनको पसंद आया फिर भट्ट साहब के साथ बैठ के लास्ट पैराग्राफ लिखा क्या खूब रब ने किया फिर मांगे उनके सामने लिखा बोलो बोलो एक बार वो लाइन सुनना है सबको पहली बार उनके सामने काम करता डर फील नहीं होता कभी भी मुझे लगता है प्रेशर में थोड़ा ज्यादा तो मैं लिख के और सर को लैपटॉप ऐसे किया था उस टाइम मुझे डर लगा था कि मैंने कभी थप्पड़ पड़ने वाला क्योंकि मेरे को विराट सर ने किस्सा बताया था तो मैंने कहा पिट सकता हूँ क्योंकि वो उन्होंने बोला तू इधर आ खड़ा तो मैं डरते डरते उनके पास में गया देन फिर उन्होंने बोला कि क्या मैं फोटो ले सकता हूँ दोनों के साथ सो नाइस अच्छा देन फिर और बोले एक ट्वीट तो मैंने कर दिया है दूसरा और कर रहा हूँ मैं आपसे हमारे लाइफ में बहुत से चेंजेस आएंगे बट संभाल के क्या वो लाइन थी क्या प्रोग्राम ने किया This is for you, Ami Mishra. We love you. बिन मांगे इतना दिया। चलो वरना है फिर क्या है? वरना है मिलता कहाँ? वरना है मिलता कहाँ? तुम लोग याद रखो मेरे को याद रहता है। हम काफिरों को खुदा। हाँ ठीक है पहले दो लाइन तू गा ले बाकी हम लोग गा लेंगे। क्या खूब रब ने किया बिन मांगे इतना दिया वरना है मिलता कहाँ हम काफिरों को खुदा क्या खूब रब ने किया बिन मांगे इतना दिया वरना हम काफिरों को खुदा मेरी जमीन बन गए ओ थैंक यू मोहित सूरी महेश भट्ट अमी मिश्रा एंड कुणाल वर्मा भाई साहब बहुत अच्छा गाना लिखे आप मेरा फेवरेट गाना है लेकिन रिसेंटली यू नो दैट आई मेट सलमान खान यस एंड ही हैड लाइक बांदो बैंड्रा वर्ली सीलिंग से बड़ा पुल ऑफ तारीफ फॉर यू और मैं हूँ हीरो तेरा इफ यू रिमेंबर ट्वीट भी किया था मैंने यू रिप्लाइड किया मेरे को भी सुना है सुनाया नहीं यार मेरे को ढूंढना पड़ेगा सिस्टम क्या बोले थे यार ही सेड कि मैंने उनको पूछा कि व्हाट डू यू थिंक कि मैं हूँ हीरो तेरा अब तक चल रहा है रेडियो पे आप वाला वर्जन अरमान का वर्जन दोनों का चल रहा है तो उन्होंने बोला कॉम्पोजिशन में ऐसा था द मोमेंट यू एंटर इन द रिकॉर्डिंग अमल ने पूरा माहौल सेट कर रखा था मेरे को बोला सलमान भाई ऐसा गाना है वैसा गाना है एंड मैंने उसकी बात सुन ली मतलब उसने बोला कॉम्पोजिशन वॉज ब्यूटिफुल फर्स्ट ही नोट में उसने बोला कि he had won my heart. क्या क्या बोले थे आप सलमान भाई को when you met him for मैं हूँ हीरो तेरा? I think सबसे क्रेजी चीज ये है कि मेरे लाइफ की शुरुआत उस इंसान से हुई एंड अरमान की भी और उसमें सबसे बड़ा योगदान उनका कि यू नो आई थिंक भट्ट साहब के अलावा एक वो ही है एंड भूषण जी यानी ये तीन है जो यंगस्टर्स को सुनते हैं
और उनकी टैलेंट को पहचानते हैं. आई थिंक वो बहुत ही और एक बहुत सुपर्ब स्टोरी भी है और सच्ची स्टोरी है. जहाँ हम लोग ने एक एल्बम किया था जिसका टाइटल था अरमान विद यूनिवर्सल म्यूजिक, और वो एल्बम लेके अरमान एंड माई मॉम हैड गॉन टू मीट सलमान सर. दिस इज अबाउट 2012-13 में एल्बम आया था. 12-13 में हाउ ओल्ड हो यू? Me? 16. I was 16. 16. 10th दिया वो तो. हाँ 10th खत्म हो गया 11th में. 16 years का ये 21 years का मैं. और अरमान और मॉम गए थे एंड उनके वैन के बाहर एज ऑलवेज यानी सब लोगों को लगता है ना कि मलिक्स है बहुत आसान हो गया होगा फोन कर लिया सलमान सर को और मिल गया अपॉइंटमेंट. नहीं, इन लोग ने 9 घंटे बिताए वैन के बाहर. वाओ. वेटेड एंड बहुत बारिश थी. माय मॉम यानी मैं मॉम को भी थैंक यू कहना चाहता हूँ क्योंकि वो हमारे स्ट्रगल में इक्वल है. मॉम डैड दोनों, उनके बिना हम लोग यहाँ तक नहीं आते. शी स्टूड विद एन अम्ब्रेला विद अ 16 ईयर ओल्ड बॉय हाथ में एक सीडी लेके कि सलमान खान बाहर आएंगे तो हम उनको गाना सुनाएंगे. और उसके बाद वो आए, ही कॉल्ड अरमान एंड मॉम इनसाइड एंड उन्होंने ये 7-8 गाने एल्बम के सुने. वहां उन्होंने अरमान को पूछा ये बनाए किसने? उसने बोला मेरा भाई है. और मैं तभी कॉकटेल का बैकग्राउंड स्कोर कर रहा था जो फिल्म थी. okay. सलीम सुलेमान को मैं असिस्ट कर रहा था और तब मैंने फोन पे देखा सलमान खान कॉलिंग. और वहां यानी जैसे ये भट्ट साहब से डरे मैं डर गया. बोला अरे यार मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, मुझे ये फोन. और रात को 2 बजे एंड मैं इधर स्टूडियो में हूँ तो मैंने फोन उठाया. इज लाइक वेयर आर यू? आई सेड सर इन सांता क्रूज एक बैकग्राउंड स्कोर कर रहा हूँ. लटिए खत्म करके घर आओ. तो मैं पहुंचा तो जिम कर रहे फुल ट्रेडमिल पे भाग रहे. ये रात को 4-5 बजे? हाँ 3:30-4 बजे सुबह. और मैं तो यानी थक मर के फुल यानी बस्ता कीबोर्ड लेके आया हूँ. और ये तो शूट कर पूरा दिन शूट करने के बाद वो हाँ वो यानी 6 hours जिम फिर भी होता है शूट होने के बाद. और उन्होंने बोला ये सब जो गाने हैं ये तुमने बनाया. तो मेरे को ऐसे दूर से ही स्टेयर एट मी 10 सेकंड के लिए. ही लाइक व्हाट डू यू वांट टू बी? और मेरे को पता नहीं था क्या बोलूं नहीं बोलूं. बट मैंने सिर्फ आंखों में उनके देखा. बोला आई वांट टू बी अ म्यूजिक डायरेक्टर. आई सेड बट यानी अभी 4-5 साल में थोड़े पैसे जोड़ू थोड़े डेमो बनाने के. यू नो स्क्रैचेस बनाने के लिए आपको थोड़े फंडिंग चाहिए होती है पैसे चाहिए होते हैं. तो बोला अभी मैं असिस्ट कर रहा हूँ. आई सेड जब मेरे पास अच्छे गाने होंगे मैं आपको सुनाना चाहता हूँ. बहुत ड्रीम है मेरी टू यू नो कंप्लीट माय डैड्स ड्रीम कि कंपोजर फिल्म कंपोजर बनना. और उन्होंने बोला इतने साल तो नहीं है मेरे पास था अभी बनेगा तो बता. मैंने बोला अभी मतलब पर मैं 23 हूँ अभी. यानी मैंने तो सोचा 30 में बनेगी ना तब यानी मैच्योरिटी आती है और राइटिंग की समझ आती है. सेट देख बेटा अभी है या तो कभी नहीं है. तो तू तैयार है तो मैं मेरे को मिल कल नहीं तो फिर रहने थे. मैंने बोला नहीं नहीं मैं करता मेरे पास गाने हैं सुनाओ कहाँ पे. तो हम लोग का एक दोस्ती शुरू हुई. ऑब्वियसली इज अ लेजेंड इज अ सच अ बिग स्टार बट महबूब स्टूडियोज या एनडी स्टूडियोज करजत हर सेट पे वेर एवर यूज टू गो यूज टू कॉल मी सेट कम. और हम लोग जैम करते थे. और उस टाइम पे जय हो आई हम लोग की पहली पिक्चर. और उसका म्यूजिक यानी मैंने बहुत एक्सपेरिमेंटल कुछ इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक कर दिया था एंड इट वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम सलमान भाई's इमेज. और यानी वो म्यूजिक सुपर हिट तो नहीं हुआ बट एक शुरुआत हुई. यानी लोगों को पता था कि एक नए दो नए टैलेंट्स को सलमान खान ने इंट्रोड्यूस किया. वहां से थोड़ी जर्नी टफ थी. मैं थोड़ा लंबा बोल रहा हूँ बट ये बहुत जरूरी क्योंकि इतना अगर प्यार से ही सेड अबाउट माय सॉन्ग तो मैं बताना चाहता हूँ कैसे हुआ ये. और 9 महीने ऑलमोस्ट मेरे पास बिल्कुल काम नहीं था क्योंकि दैट वॉज माई टफेस्ट टाइम क्योंकि वी वर फाइनेंशियली ऑल्सो नॉट डूइंग वेल. एंड यानी जितना असिस्टिंग का काम था अब आप एक बार कंपोजर बन जाए तो लोग असिस्टेंट नहीं रखे. तो वो भी काम हाथ से चले गए. जिन जो कंपोजर्स मुझे हायर कर रहे थे उन्होंने भी बोला कि अब तो कंपोजर है अब तो सलमान भाई है तुम्हारे साथ है ना. तो वो हो गया था एंड मुझे उनको यानी कभी बॉदर नहीं करना था कि भाई यानी थोड़ा और काम दे दो या ये. तो आई वॉन्टेड टू प्रूव माई सेल्फ टू हिम ताकि उनको ये नहीं लगे कि मैंने इसको चांस दिया इसने कुछ किया ही नहीं आगे लाइफ में. तो मैंने बहुत मेहनत की 7-8 महीने. फिर नैना करके गाना है खूबसूरत सोनम कपूर फवाद खान की पिक्चर में जो सोना महापात्रा अरमान ने गाया एंड देन केम सूरज डूबा. बट इन सब फेजेस के दौरान भी यानी हम लोग मिलते थे और ये एक पिक्चर अनाउंस थी जैसे यहाँ पे पेपर रखा वहां लिखा हुआ था सलमान खान टू प्रोड्यूस हीरोज रीमेक विद सूरज पंचोली. और मैंने सिर्फ पेपर ऐसे उठाया and I swear to God मेरे से सिर्फ ये लाइन निकली कि मैं हूँ हीरो तेरा
एंड मुझे लगा फोन का है, रिकॉर्ड करो. एंड आई रैन टू माई फोन, रिमूव्ड अ वॉइस नोट, ऑन करके मैंने गाया. और मैंने उसी रात को उनको फोन किया, मतलब सर एक कुछ है मेरे पास, पता नहीं यानी आई डोंट नो आप पिक्चर बना रहे हो, इसलिए पर उसका डायरेक्टर ही नहीं चुना मैंने अब तक, तू गाना बना रहा है. मेरा सर पर यानी आई हैव समथिंग स्पेशल. तो इसे ठीक है, आई एम बैक इन 10 डेज, मिलते हैं. और मैं उनको मिला हूँ, और कुमार पाजी जो जिन्होंने ये गाना लिखा है उनको मैं सुनाया मैंने ये गाना, और वो दरवाजे से जा रहे थे, वो ट्यून सुनी उन्होंने, वो घूम आए तो ये क्या बजा रहा था, तो ये वापस बजा. And he wrote आँखों के पन्नों पे, and लिखा 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 सलमान सर से फोन पे बात हुई. एंड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन जो उस गाने का है, वो उनका सजेशन था कि किस हक से कहूँ बता कि मैं हूँ हीरो तेरा. वहां गाना पलट जाता है, why it becomes so amazing. यानी you're not trying to show off I'm your hero, I want, यानी give me, क्या हक से मैं कह दूँ कि मैं तेरा हीरो. एंड वो जब थॉट आया ना, तब गाने की एक मतलब ही बदल गया. एंड ही बिलीव्ड, यानी उस टाइम पे तब तक सूरज डूबा नहीं आया था, बट उन्होंने वो गाना अपने बैंक में रखा. और हीरो में मैं सिलेक्ट नहीं हुआ था एज अ कंपोजर, हीरो में ऑलरेडी मीत ब्रदर्स, सचिन जगर, इन सबके गाने थे, गेस्ट कंपोजर भी. हाँ, मैं लास्ट मिनट उस एल्बम में आया, क्योंकि यानी दे वर लुकिंग फॉर अ टाइटल सॉन्ग. एंड थोड़ा ने यानी हीरो वर्ड पे यूजली मस्ती वाले गाने होते हैं, सीरियस गाना नहीं हुआ था कभी बॉलीवुड में. तो ये इनकी बिलीव थी कि जैसे आपको कहा वो फर्स्ट नोट, वो इतने अडिक्ट हुए उस गाने से, ये सर मैं तो इस गाने के पीछे दीवाना, आई लव इट. तो ही कॉल्ड निखिल सर एंड भूषण जी एंड सेड आप लोग को अगर गाना नहीं मिल रहा है तो मैंने ये गाना अमल के साथ बनाया, आप सुनो. अच्छा. और जब वो गाना भेजा गया तब मेरी लाइफ भी पूरी 360 डिग्रीज घूम गई, क्योंकि तब तक मैंने तब सूरज डूबा आ गया था, सबको लगता था डांस मेकर, यू नो, EDM EDM EDM. और वो मौका नहीं मिल रहा था कि एक सोलफुल कंपोजर का टैग मिले मुझे, या सब बिलीव करे कि मेलेडी भी आती है. और ये एक गाने से मुझे लगता है मेरा पूरा करियर टर्न अराउंड हुआ, क्योंकि ही फीचर्ड इन इट, अरमान ने भी एक वर्जन गाया, उन्होंने भी गाया. तो यानी कुछ तो मैजिक था उस गाने में, आई थिंक सब लोग ने एक गाने पे उस पे बिलीव इतना किया, और ऑडियंस ने इस गाने को इतना हिट किया कि इट वॉज अनबिलीवेबल. आई थिंक माई होल करियर गॉट डिफाइंड बिकॉज ऑफ माई हू हीरो तेरा. अरमान, जब यू वेटिंग विद मम्मी उनके वैन के बाद, व्हाट वर यू डूइंग दैट टाइम, जस्ट वेटिंग, क्या सोच रहे थे? वेटिंग क्या सोचूंगा मैं, वो तो फोन पे था, मैं गेम के मैं क्या सोचूंगा उस टाइम. तो व्हेन यू सॉ सलमान खान फर्स्ट टाइम इन द फेस टू इंटरव्यू लास्ट कॉलिंग, नथिंग, आई कुडंट स्पीक एनीथिंग. अच्छा, अपने को क्या कहने का, फिर गाना सुना के आउट, और क्यों कुछ, वर यू नॉट स्कैर्ड कि सलमान भाई है एंड ऑल, थोड़ा स्ट्रिक्ट वाला इमेज है उनके साथ बचपन से एक बॉन्ड है, क्योंकि डैड ने उनके साथ काफी फिल्मों में गाना किए. अच्छा, गाने किए थे. बट वो कभी यानी हम लोग ने काम से उनको नहीं मिले थे, यानी वी वर दोस लिटिल बेबीज जो उनके साथ गोवा जाते थे या पनवेल जाते थे उनके फार्म हाउस. हम लोग उस तरीके से वी वर पार्ट ऑफ द फैमिली इन दैट वे. बट उनको कभी नहीं पता था कि ये बच्चे म्यूजिक व्यूजिक करते, उनको से पता था इनके पापा म्यूजिक करते हैं. तो हम लोग ने कभी किया नहीं. बट जब पहला एल्बम हुआ उन्होंने डैड को बोला था कि आई वुड like to hear them someday. तो हम लोग को ये याद थी बात, जब की तब अरमान वहाँ पहुंचा और उसने गाने सुनाए. अरमान, तुमको कोई फिटनेस टिप्स दिए सलमान खान ने? डांस करने से गाया, बोला उन्होंने वेट लॉस. अरमान का, अरमान ऑलमोस्ट 110 केजी का बच्चा. व्हाट आर यू सेइंग भाई, मेरे को याद भी नहीं इतना वेट होगा अरमान का. 110 नहीं था मैं, नॉर्मली था. नहीं नहीं, चबी था मैं, काफी चबी था. झूठ बोल रहा है, गर्दन भी नहीं दिखती थी. मैं मोटा नहीं था लेकिन चबी था, मेरे जितना होगा. हाँ, ऑलमोस्ट. हाँ, तो सलमान सर ने बोला ये सब नहीं चलेगा, यू हैव टू वर्क आउट, यू हैव टू स्टार्ट डांसिंग. तो फिर मैं बोला ठीक है, डांस करके दिखाऊं मेरे सामने. बोला क्या डांस करूंगा, मेरे को खुद नहीं पता. तो मैंने कुछ 2-3 स्टेप किए, ये डांसिंग होती है क्या. कॉल्ड अप मुदस्सर, उनका एक कोरियोग्राफर है, कॉल अप किया उनको, फिर कल से अरमान आ रहा सीखने. मतलब मेरी मेरे को तो पूछा ही नहीं कि मेरे को डांस सीखना है कि नहीं सीखना है. तो मैं बोला चलो ठीक है चलो. बट उस वजह से मैं काफी ओपन अप हुआ एज अ परफॉर्मर, एज अ स्टेज परफॉर्मर, यू नो, एज अ सिंगर. हम लोग को सिर्फ गाना नहीं होता है, यू शुड बी परफॉर्मिंग ऑल्सो. तो वो सब चीजें यू नो सीखने को मिली, हाउ टू परफॉर्म ऑन स्टेज. एंड फिर हमें फीचर भी किया जाए, हो के स्टार्टिंग ओपनिंग सीक्वेंस में हम लोग वहां, मैं डीजे हूं और आई रिमेंबर दैट. या